एक 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 छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, आप पूरी करोगे? बहुत बहुत अच्छी वाली रिक्वेस्ट है। अभी जैसे गाया ना आपने, ऐसे ही मैं 3 3 3 9 2 11 पंक्तियां सुनाऊंगा। जितने भगत यहाँ पर है मेरे साथ, ऐसे ही गाना, दरबार सांवरिया ऐसो सजो प्यारो सेवा में सांवरिया सगला खड़ा टीके हुक्म में बस अरे ओ सेवा में धारी सेवा में थारी ओ माने आज बीच सेवा में थारी सेवा 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 आने कीर्तन की है चलता हो गाना कीर्तन की है त्यारी कीर्तन कराचम प्रभु क्यों एवा दो थरो दाता धनी क्यों अरे ओ भजना सुथाने भजना सुथाने माने बहुत अच्छे भजना सुथाने दोनों हाथ ऊपर भजना सुथाने माने और थाने हटो तन की है अरे गालो देखो कीर्तन में क्या होता है मैं साफ साफ बताऊं आपको। कीर्तन में दो तरह के लोग आते हैं, दो तरह के लोग, पहले भी ऐसा होता था आज भी ऐसा होता था। कीर्तन में दो तरह के लोग कैसे कैसे, एक जो कीर्तन में आए भजन सुनते 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 भजनों में खो गए, दूसरे वो जो कीर्तन में आए भजन सुनते 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 सो गए। अब आप समझो कीर्तन सुनने में भजन में खोने वाले को ज्यादा मिलेगा कि सोने वाले को ज्यादा मिलेगा, है? अच्छा, दो तरह के लोगों में एक वो कैटेगरी है जो कहती है बाबा इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, बाबा इतना दीजिए जा में कुटुंब समाए, हम तो खा ले पेट भर साधु भी भूखा ना जाए। और सच मानो तो पहले के जमाने के लोग ही ऐसा ज्यादातर गाया करते थे। आज तो इतनी हाई भूख है, इतनी हाई भूख है कि दुनिया जहान में जिसे देखो वो यही कहता है बाबा इतना दीजिए जा से सात पुश्ती चलाए, हम खा ले पेट भर चाहे पड़ोसी भूखा मर जाए। लेकिन श्याम दरबार के संस्कार ऐसे हैं कि हमारे पास दो रोटियां हैं और गलती से कोई श्याम प्रेमी नहीं भी है वो भी दरवाजे पे आ गया तो पहले उससे पूछेंगे भाई कितनी भूख है, अगर दो की दो वो मांगे तो पूरी की पूरी दे देंगे और बाबा के दरबार में जाकर सिर्फ इतना अरदास करेंगे जो तूने दिया मैंने उसको दे दिया, अब तेरे ऊपर तू जितना ज्यादा देगा मैं उतना तेरी तरह बांटता रहूंगा। अब अगर सच में आप प्रेमी मानते अपने आप को तो इन तीन लाइनों को, इन अमर तीन पंक्तियों को गाना है आपको। जो कुछ पढ़ो मासु अर्पण प्रभु सारो प्रभु स्वीकार करो, बोलो जो कुछ पढ़ो अर्पण प्रभु ए प्रभु नादान सु गलती होती ही आई है प्रभु मत ध्यान धरो अरे ओ अरे नंदू सांवरिया नंदू सा अरे नंदू सांवरिया थारो दास थाने कोल कीर्तन की है अरे कीर्तन ए बाबा आसाने क्या बात कीर्तन की अरे कीर्तन की थाने क्या बात। अब देखो आप देखना, आप खुद नोटिस करो पिछले 4-5 सालों में बाबा के दरबार में भीड़ कितनी बढ़ी है, कितने ज्यादा लोग आने लग गए, कितने मतलब पहले
फागण के मेले पर भीड़ होती थी, उसके बाद 11 की 11 भीड़ होने लगी, फिर सैटरडे संडे भीड़ होने लगी। अब आप देखो, आप जब जाओ तब आपको लाइन मिलेगी, क्यों बताए? दरबार हजारों है, ऐसा दरबार कहाँ। एक बहुत पुराना भजन नरेश भाई, एक बहुत पुराना भजन याद आवे, अरे बाबा था, दो लाइनें गाऊंगा अभी के बाद ही पर, बाबा थारी चौखट पर, बहुत पहले लिखा गया, बाबा थारी चौखट पर सारी दुनिया ने आनो है, अरे बाबा थारी चौखट पर सारी दुनिया ने आनो है, बाबा थारी चौखट पर सारी दुनिया ने आनो है, ओ बोलो बाबा थारी चौखट पर सारी दुनिया ने आनो है। कलयुग में कितने साल पहले बता दिया, सोचो, कलयुग में प्राणी को, ओ कलयुग में प्राणी को बस यो ही ठिकानो है, अरे कलयुग में प्राणी को बस यो ही ठिकानो है। हाँ, कौन कौन गाएगा मेरे साथ? दरबार हजारों है, ऐसा दरबार का, दरबार हजारों है, ऐसा दरबार का, ओ जो शाम जो शाम जो शाम जो शाम जो शाम जो शाम जो जो मिला हो दरबार से, जो आस लगा करके दरबार में आता है, जो आस लगा करके दरबार में आता है, खाली झोली लाए भर कर ले जाता है, को भी बने 25-30 साल हो गए होंगे। उस समय पर लिखने वाले ने क्या लिखा पता है? उसने लिखा, जो मांगे मिल जाए ऐसा भंडार कहां, अरे जो मांगे मिल जाए ऐसा दरबार कहां, ऐसा भंडार कहां, जो मांगे मिल जाए ऐसा। लेकिन भाई साहब, ये 2022 चल रहा है, वैसे भी मोदी जी के राज में टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा ही बढ़ गई है, हैं? कुछ तो अच्छा है, जो मांगे मिल जाए ऐसा भंडार कहां। लेकिन आज के जमाने में भगत बाबा से बोलता है, बाबा दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ी है तो हमें पता है तेरे दरबार में भी बढ़ी है। पहले के जमाने में लोग मांगते थे तो मिलता था, आज बिन बोले मिल जाए, अरे बिन बोले मिल जाए ऐसा भंडार कहां, दरबार हजारों है ऐसा दरबार कहां, दरबार हजारों है ऐसा दरबार कहां, अरे मन की बात सांवरी है ने आज सुना कर देख ले, आज सुना कर देख ले, ओ सुन
सी सुन सी खाटू वाले बोलो ए सुन सी खाटू वालो तेरी लगा कर देख ले कौन कौन गाएगा मेरे साथ अरे सुने सी एक मिनट कैमरा पर कितने लोग हैं 1 2 3 4 चारों शाम प्रेमी हैं एक रिक्वेस्ट करूं कैमरा को एक जगह सेट करके बैठ जाओ 5 मिनट बैठ जाओ पीछे पीछे वालों के लिए ए गंदे बच्चे अच्छी बातें नहीं करते उल्टा बोल दिया ना जो भी अच्छा कौन कौन कीर्तन करने आया है जरा आए हाय क्या बोलोगे हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए खाटू वाले के हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए खाटू वाले के हम हो गए खाटू वाले के अजी हो गए खाटू वाले के हम हो गए ये बात हम ताली दोनों हाथ ऊपर हम ताली बजा कर कहते हैं हम हो गए खाटू ओ सुन सी खाटू वालो सुन सी पापो लगा कर दे के आज सुना कर देख ले मन की आज सुना कर देख ले अच्छा जो तालियां बजाने से कतरा रहे हैं जो भजन गाने से कतरा रहे हैं भाई साहब अगर दरबार में आ गए तो आंख बंद करके जैसा बाबा बोलता है वैसा करते जाओ क्यों जो होगा देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा ये मिलके अच्छा जरा कौन कौन सेवा में तालियां बजाएगा बोलो खाटू नरेश की जय 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 बोलो हरे के सहारे की जय 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 बोलो लखना तार की जय 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 बोलो शीश के दानी की सबके मन की बातें बड़े ध्यान से सुन जाए
करता है। जहाँ सबकी सुनाई हो, जहाँ सबकी सुनाई हो, अजी ऐसा दरबार कहाँ, जहाँ सबकी सुनाई हो, ऐसी सरकार कहाँ। देखो मुझे पता है इसके नाम की मस्ती ऐसी है कि फिर कंट्रोल नहीं होता, लेकिन कंट्रोल करना पड़ेगा, थोड़ा बैठना पड़ेगा। जो चाहते हैं कि थोड़ी देर कीर्तन और चले, कौन कौन चाहता है जी? हाय हाय। अच्छा श्रृंगार का भजन सुनोगे? ऐसे नहीं, जरा एक बार जोरदार जयकार के साथ बोलिए, हारे के सहारे की जय हो, पलक दातार की जय हो।